कमेंट करिए फास्ट। एक और अपडेट आया है जो आपको पता होना चाहिए कि गर्ल्स के लिए आर्मी में जो एंट्रेंस होता है, रैली भर्ती होता है, उसका अपडेट नोटिफिकेशन आ गया है। 6 तारीख से लेकर इस महीने के 20 तारीख तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों के कमेंट आना शुरू हो गया है। सबको गुड इवनिंग, जय हिंद। जल्दी से शेयर करो फास्ट। ललित सिन्हा, अभिषेक, पवन, सबको गुड इवनिंग, जय हिंद। रमाकांत, दीपक ठाकुर, इसका जो नोटिफिकेशन है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जो गर्ल्स के लिए आया है आर्मी में रिक्रूटमेंट, ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर डाला गया है, आप उसमें देख लेंगे, पीडीएफ डाला हुआ है। सर पेपर कितने सेट में आता है? 4 सेट में आता है पेपर। पहले 3 था, फिर 4 कर दिया है, अब आप लोग के समय शायद 5 ना हो जाए, फिलहाल तो 4 ही है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, ओएमआर सीट नहीं मिला है, लाइए भाई ओएमआर सीट लाइए। आप लोग के पास नहीं है? जल्दी जल्दी शेयर करो तेज। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, आज जो हम पेपर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं जनरल ड्यूटी जीडी का, कहाँ का पेपर है? रुड़की का पेपर है। 28 मार्च 2021 को पेपर हुआ था, उसे आज हम कर रहे हैं। ये सेट बी है, ध्यान देना। इसके अंदर हम जो आप आज जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये ओएमआर सीट पे कर रहे हैं। कई लोग कमेंट किए थे, सर आप क्वेश्चन के बाद आंसर भी बताया करो। तो आंसर मैं इसलिए नहीं बताता हूँ कि आप बाद में खुद चेक कर सकते हैं, फिर आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे कि आप सही कर रहे हैं गलत कैसे कर रहे हैं, सबका अगर मैं बता दूंगा तो। लास्ट में तो मैं आपको आंसर की दे ही रहा हूँ। मैथ और रीजनिंग का प्रॉब्लम होता है, अगर आप लोगों को लगता है तो कमेंट करिएगा, मैं उसको अलग से सॉल्व करवा दूंगा पेपर के बाद, ठीक है? ओके, ध्यान देना, हर एक सही नंबर के आपको 2 नंबर मिलेंगे, और अगर आप गलत बनाते हैं तो 0.5 नंबर आपके कटेंगे, ठीक है? जीके और जीएस के लिए मैं 30 सेकंड का समय दूंगा, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट बढ़िया से कर पाएं। हर 30 सेकंड में आपका जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा। और मैथ और रीजनिंग के लिए 1 मिनट 30 सेकंड, मतलब कि 90 सेकंड, 1.5 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। टोटल मिला के 45 मिनट में आपका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, और एग्ज़ाम में हमें 1 घंटे 60 मिनट का समय मिलता है। बात समझ रहे हैं? जिसमें से 5 मिनट कुछ साइन करने में, पेपर में कुछ ना कुछ कमियां रह जाता है, हम बात करते हैं तो हमें थोड़ा डांट पड़ता है वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में, तो इन सब चीज़ों में लॉस हो जाता है आपका 5 मिनट। तो मान के चलिए 5 से 10 मिनट लॉस हो जाता है आपका एग्ज़ाम जो है 50 मिनट का, आप ये सोच के चलिए। इसलिए मैं आपको 45 मिनट में ये टाइम दे के प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको लगता है इसका मैथ और रीजनिंग आपको सॉल्व करके बताने की ज़रूरत है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, फिर मैं अगले वीडियो में इसे सॉल्व कर दूंगा। कल का पेपर भी मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है? ओके, एग्जाम खत्म होने के बाद आंसर की और ये पेपर का पीडीएफ जो है आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका नाम है डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई। चलिए शुरू करते हैं टेस्ट, जल्दी से आप तैयार हो जाइए, रेडी हैं? ओके, रेडी गो। चार से पांच टेस्ट के बाद आपका स्पीड बढ़ जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, चीजें छूटनी नहीं चाहिए।
निम्न में से किस क्षेत्र में महालवाड़ी प्रणाली राजस्व समझौता हुआ था? मद्रास, मुंबई, बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में किस चलचित्र को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला? पैडमैन, पद्मावत, उरी, अंधाधुन। अब ये जीके का क्वेश्चन है, ये तो पिक्चर उच्चर वाले क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, तो इसे बोलते हैं करंट अफेयर पढ़ना है, अपडेट रहना है। कोरोना हुआ, कौन से राज्य में पहले फैला, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार रेल किस वर्ष शुरू की गई? काफ़ी लोग आंसर दे रहे हैं, मैं आप लोग को बोला था कि आप लोग OMR सीट में प्रैक्टिस करेंगे अगर सच में एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। विकास जी, आपको OMR सीट ले लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मैकाल के पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी का उद्गम स्थान है? गंडक, चंपल, नर्मदा और घग्गर। बोल नहीं सकते कि सर आप नहीं पढ़ाए हैं, हर एक चीज पढ़ा दिए हैं। रेडी गो, नेक्स्ट। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य का समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश कौन था? सर जी, SSC GD का कब तक आएगा? इसी महीने आ रहा है SSC GD का नोटिफिकेशन। खिलेंद्र कुमार, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अग्नि 6 मिसाइल का अनुमानित रेंज लगभग कितना है? हाँ, ये बोल सकते हो, अभी नहीं पढ़ा है क्योंकि अभी यहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, ये भी पढ़ा देंगे, बाकी ये पता रहता है, 26 जनवरी में घूमता रहता है बहुत बार ट्रैक में, देख लिया करो। और आपके बुक में है डिफेंस से रिलेटेड जो सारी चीज़ें दी गई हैं। चलिए रेडी नेक्स्ट, संतोष ट्रॉफी और सुपुत्रो कप खालिस्तान से संबंधित है? अब जो याद है वो याद है, जो याद नहीं है उसमें सोच के कोई मतलब नहीं है। माइनस मार्किंग से बचना है, तुक्का नहीं मारना है। चलो बढ़िया, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी नदी एक ज्वारनद मुख बनाती है? महानदी, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी। लोकेश वर्मा, राजन चौधरी सर, गरुड़ कमांडो का ओपन रैली कब आएगा? 3 साल हो गया है भाई, 2 साल से तो कोरोना है, क्या करोगे बताओ। चलो नेक्स्ट, अश्विनी पोनप्पा का संबंध है? नॉर्मल हालात होंगे तो वैकेंसी आ जाएगी, तैयारी रखिए आप, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये है ओवर एज ना हो जाए। खिलेंद्र कुमार का आंसर आया है, कई लोग आंसर दे रहे हैं। ओके नेक्स्ट, किस महाद्वीप में अटाकामा मरुस्थल स्थित है? एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। भुवनेश चंद, खिलेंद्र कुमार,
चलिए अगला नेक्स्ट, चलो दिल्ली ये नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय। अभी इतिहास ही पढ़ रहे थे आप लोग। विकास माही, चलिए अगला क्वेश्चन, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना कब हुई? बढ़िया क्वेश्चन, विकास माही के आंसर आ रहे हैं, खिलेंद्र कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन, अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिजली, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह, तुगलक और इल्तुतमिस। पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ मैं, खतरनाक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य रात्रि के सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान, नॉर्वे, बेल्जियम, चीन। सोमवार को आपका जो मॉर्निंग में टेस्ट होने वाला था ऑफलाइन, वो सोमवार को ना होके मंगलवार को होगा, तो अपने दोस्तों को अपडेट कर देंगे। विकास माही आंसर दे रहे हैं, ओके बताऊंगा नहीं क्या दे रहे हैं। सुनील भी आंसर दे रहे हैं, लोकेश, मोन्टू, विकास माही, विष्णु। अगला क्वेश्चन, किहूटा हस्तलिपि का इस्तेमाल किस भाषा के लिए किया जाता है? सेट में क्वेश्चन अलग अलग होता है कि अलग अलग नहीं होता है? सेट में क्वेश्चन क्वेश्चन एक ही होते हैं, सीक्वेंस अलग अलग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सेक्शन बी, 295 केल्विन का तापमान खालिस्तान के लगभग बराबर होता है। अब आप एक चीज नोटिस करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है, फ़ारेनहाइट, केल्विन, तो ये मतलब हमको परमानेंट कर लेना है, ठीक है? मोंटू जी का भी आंसर आ गया है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो खालिस्तान परिवर्तित करता है। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे कभी देखे नहीं, इन्वर्टर सबके घर में लगा होता है, बिजली का सामान, बिजली का उपकरण बोल सकते हैं। विकास माही, लोकेश वर्मा, सुनील। चलिए अगला क्वेश्चन, पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है? अब ये सब क्वेश्चन इतने बार रिपीट हुए हैं कि पूछो मत। J3 मोटिवेशन, सुनील आप लोग का आंसर आ रहा है। एक मक्खी घूम रहा है यहाँ पे, पिक्चर वाला मक्खी तो नहीं है, बदला लेने आया होगा ये देखो। चलिए अगला क्वेश्चन, खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण खालिस्तान है? इतने समय में गोला भी लगा लेना है, बाद का इंतजार मत करो, मैं इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप ये मत सोचो मैं बाद में लगाऊंगा, फिर प्रैक्टिस क्या हुआ। नेक्स्ट,
डाक्टाइलोग्राफी का खालिस्तान का अध्ययन है। इसलिए बोलते हैं गहन अध्ययन करो। ये जीडी का पेपर है, हवे में ले रहे थे कल ना। अगला क्वेश्चन, कार्बन का सबसे कठोर रूप खालिस्तान है। अब ये तो सबको याद होगा, J3 मोटिवेशन बोल रहे हैं सर, ये दुर्ग आर्मी रैली का पेपर है। कुछ क्वेश्चन मैच करते हैं इधर के उधर। लोकेश वर्मा, विकास माही। चलिए अगला क्वेश्चन, पत्तियों में मौजूद हरे रंग वर्णक को खालिस्तान कहते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर सबको पता है ना, पर कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ही आपको स्कोर करना होता है। बात समझ रहे हैं, तभी आप उनसे आगे बढ़ेंगे। 50 में 10 क्वेश्चन तो सबको पता है, जो एक दिन किताब नहीं खोलेगा वो भी बता देगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, खालिस्तान लेंस से बनते हैं। सुनील आंसर दिए हैं, J3 मोटिवेशन आंसर दिए हैं। आप लोग सब OMR सीट में देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूं कि एग्ज़ाम के बाद जब आपके आंसर की आपको दिखाया जाता है, उसमें आपका प्लस और माइनस नंबर कर फिर मुझे अपना स्कोर बताएं कमेंट में, ठीक है? नहीं है तो आप निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि की वजह से है। मोंटू आंसर दिए हैं, सुनील आंसर दे रहे हैं, विकास आंसर दे रहे हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, वल्केनाइज्ड रबड़ का आविष्कार खालिस्तान द्वारा किया गया था। कॉमन सेंस लगा के देना है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, रेडी गो। निम्नलिखित तत्वों के बीच में ध्वनि सबसे तेज चलती है। ये सारे लोगों को पता रहता है इस क्वेश्चन का आंसर। सुनील, विष्णु, विकास, दो, एक, जीरो। नेक्स्ट, चाय का वनस्पतिक नाम खालिस्तान है, मत पढ़ो। लोकेश वर्मा जवाब दे रहे हैं। अब कुछ लोग का कहना था सर जीके उके हम देख लेंगे, आप मैथ देख लेना। तो अब देखो मैथ तो हमने देख लिया, अब जीके आप लोग संभालो, जीके जीएस। चलिए अगला क्वेश्चन, डायलिसिस का प्रयोग खालिस्तान के इलाज में किया जाता है। मस्तिष्क इनमें से कोई नहीं, गुर्दा, हृदय। कामता, मोंटू, खिलेंद्र, J3 मोटिवेशन, गुलाबजा खान, विकास। जल्दी करिए, 3 सेकंड, 2, 1। नेक्स्ट, अस्थाई निकायों के नियमों को खालिस्तान द्वारा खोजा गया। सन्नी, विष्णु, आप लोग के आंसर आ रहे हैं।
कामता, दीपक। 8 सेकेंड, 6, 5, 4, 3, 2, 1, नेक्स्ट। बंदूक से छोड़ी गई गोली में होता है क्या? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दोनों, गतिज और स्थितिज, या इनमें से कोई नहीं? सर जी, आप में आंसर लेट आता है, क्यों भाई, ऐसा क्यों? विकास, चलिए यहाँ पे सेक्शन बी खत्म होता है, सेक्शन सी शुरू। यहाँ पे आपको समय मिलेंगे 1.5 मिनट के, शुरू हो जाओ। वहाँ तक ज़्यादा सोचने के लिए कुछ नहीं था, अब यहाँ से सोचना शुरू करना है, वहाँ तो दिमाग में फिट है ना। कई लोगों के आंसर आना शुरू, बहुत तेज आंसर आ रहे हैं भाई। कामता, दुर्गा, जेथ्री, मोटिवेशन, मोन्टू, सुनील, खिलेंद्र, (2.81 + 0.002 + 0.01) = क्या? एकदम सिंपल था क्वेश्चन, टक 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 सॉल्व। ये क्वेश्चन तो ऐसा कोई होगा नहीं जो ना बनाए एग्जाम में, नहीं तो क्लास 3 का क्वेश्चन है ना। फिर भी आप लोग को 1.5 मिनट दे दिया जा रहा है, सोचिए। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ, साथ साथ गोला लगाते रहना भाई, ठीक है? रेडी गो। नंबर सीरीज है, आपको बताना है कि खाली जगह पे क्या आएगा। सर यहाँ उत्तर कुछ भी आ रहा है, लगता है आपको फिर पढ़ाना पड़ेगा। हाँ ऐसा लगेगा मंटू जी की, और बहुत सारे लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत है, टेस्ट इसलिए तो होता है। कामता का आंसर आ गया है, कुछ लोग सोच विचार में लगे हैं। आप लोगों को एक और बात बताता हूं, ये नंबर सीरीज जब आता है एग्जाम में, एक बार देखो, टक से बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो उसको छोड़ो, लास्ट में सॉल्व करना। कभी अगर टप वाले नंबर सीरीज आपको दे दिए हैं तो आप उलझ के रह जाओगे, अपना टाइम खराब करोगे, ठीक है? तो जब देखो इजी रहता है, टक से बनाओ, लगता है कुछ ज्यादा परेशान कर रहा है तो सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। हालांकि ये इजी का है, बहुत सारे लोगों के आंसर आ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए, सभी प्रश्नों के अंक बराबर हैं, एक विद्यार्थी ने 15 सवाल हल किए, 10 सही उत्तर दिए, परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे? बहुत बढ़िया, क्वेश्चन को घुमाया है, डेटा बड़ा आराम से दिया है, आपको ध्यान से इसको बनाना है, और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझ जाओगे तो टक से आंसर आएगा। 5 सेकंड, 7 सेकंड का क्वेश्चन है, और मुझे पूरा विश्वास है कि 50% लोगों से नहीं बनेगा। कल बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर इतना सरल क्वेश्चन, तो सरल ही है।
कमेंट नहीं आ रहे हैं, लोग अभी भी लगे पड़े हैं। समझ गया मैं क्या चल रहा है। राजा जी ने सॉल्व किया है। राजा जी आपसे गलती हो रही है। सुनील जी गड़बड़ कर रहे हो। अगर आप लोगों को इसको सॉल्व कराने की ज़रूरत है तो बताइएगा, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसको सॉल्व करके पूरे मैथ को, ठीक है। लोकेश वर्मा गुड, शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, टक से आंसर दो। इसमें क्या पढ़ रहे हो? मोंटू जी बोल रहे हैं जरूर। आंसर नहीं आया अभी तक। दिनेश गड़बड़ है भाई आपका, ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है। एलसीएम क्या होता है एक बार सोचो, आंसर देखो। चीख चीख के बोल रहा है, मुझे टिक मारो। इसीलिए बेसिक और डीप से पढ़ाता हूं मैं, क्वेश्चन खाली सॉल्व नहीं कराता। पेपर में बैठने का एक मौका मिलता है और एक बार में ही क्लियर करना है एग्जाम। आपका भी गलत है मेरे दोस्त राजा। चलिए अगला क्वेश्चन। 2 और 100 के बीच 3 के विभाज्य सभी विषम पूर्णांकों का योग कितना होगा? अब ये तो बना ही लोगे क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन है। विकास बोल रहे हैं बहुत हार्ड है। मोंटू बोल रहे हैं, हाँ मोंटू ठीक था आपका, गुड। पिछले क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है 34 का, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है कामता, राजा गलत कर रहे हो मेरे दोस्त, भूल गए कौन से चैप्टर में पढ़े हो इसे। चलिए टाइम होने वाला है ख़त्म, आता है अगला क्वेश्चन। अब बोलना सर नहीं पढ़ाए हो आप, ऐसे बीच में टपकता है मिश्रण के क्वेश्चन तो पूछते हो सर ये ट्रेडमैन के लिए है, जीडी के लिए है या नहीं है, तो देख लो किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। विकास के आंसर आ रहे हैं, हाँ लोकेश वर्मा आपका सही है, 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक चलिए इसका आंसर बताइए। कामता आपका गलत है अभी भी वाला क्वेश्चन, उसको छोड़ो आगे बढ़ो। चलिए शाबाश बढ़िया,
ध्यान से बनाओ, क्या पूछ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये बन गया होगा। ठीक है विकास, आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसे बोलते थे हमारे मम्मी पापा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप क्या होगा अगर उसका क्षेत्रफल आपको दिया है 5625 स्क्वायर मीटर। योगेंद्र, मोंटू, यशवंत, आर्मी मेंटल, विकास, गुलाबजा, सबका आंसर आया है। सब कमेंट करके मुझे बाद में बताएंगे आपके कितने सही, मतलब कितने नंबर आ रहे हैं 100 में, है ना। हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर और गलत के 0.5 कटेंगे। और जिस तरीके से आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइम लगा के ना, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा एग्ज़ाम में, आपके उस टाइम बचेगा। आप ध्यान रखना मेरी बात, आपको ये सीखना है कि किस पे आपको टाइम देना है और किस पे नहीं देना है। बेवजह का सोचते नहीं बैठे रहना है जीके वाले क्वेश्चनों को। एलिमिनेट करके भी बनाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। राजा, आपका भी आंसर आ गया। तीन सेकेंड, 2 1 0 नेक्स्ट। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेल का प्रश्न है, अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंच जाता है। यदि रेल की औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो उसे उस दूरी तक तय करने में 15 मिनट ज़्यादा लगता है, तो दूरी बताओ। और ये क्वेश्चन मुझे जहाँ तक विश्वास है 50% लोगों का छूटना चाहिए, शायद सोच नहीं पाएंगे क्यों। सिंपल सा क्वेश्चन है, गलत आंसर दे रहे हो आप। कौन है? यशवंत, आनंद, आप भी। सुनील, गुड, आपका सही जवाब है भाई, बिल्कुल सॉल्व किया है आपने, बेसिक था एकदम। लोकेश वर्मा, आपका भी सही है। निर्भय सिंह है सर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन। राम एक समाचार पत्र 50 पर लेता है तो जनवरी महीने के लिए उसे कितने पैसे देने होंगे। 50 पैसे पर होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा कमी है, 50 पैसे होना चाहिए मेरे ख्याल से। जनवरी महीने में कितना पैसा देगा, वो बोल रहा है कितने का बिल बनेगा, सिंपल सा क्वेश्चन। एक समाचार पत्र जो है न्यूज़पेपर, वो 50 पैसे का है तो जनवरी महीने का बिल बताओ, ये कहना चाह रहा है। बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है,
ऋषभ का भी आया है, मोंटू, सुनील, वेद प्रकाश, यशवंत, राजा, निर्भय, सुनील निर्भय का नहीं आया भाई। 7 सेकंड, 6, 5, 4, 3, 2, 1, नेक्स्ट। चलिए, बोला जा रहा है 6 से ही 2/5 निम्नलिखित मिश्रित संख्या को अनुचित अंश के रूप में लिखें। कहने का मतलब 6 से ही 2/5 को क्या कहते हैं बताओ भाई। ठीक है, सही है। बहुत लोग पढ़ना छोड़ दिए हैं तो दिक्कत हो रहा है उनका आंसर में। बाकी आप लोग का आंसर आया है गुलाबजा, आर्मी मेंटल, राजीव, आनंद यादव, मोंटू, वेद प्रकाश, यशवंत, पवन, लोकेश, विकास, अभी भी आधा मिनट बचा है, जल्दी जल्दी बनाइए। इसको क्या बनाओगे, तो मजाक है, इसमें भी 1.5 मिनट दे रहा हूँ, तो यहाँ से टाइम बचा के दूसरे क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं चेंज कर रहा हूँ, इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेवजह से। लो भाई, अगला क्वेश्चन। आपके मध्य से आवृत्ति वितरण के विचलन का बीजगणितीय जोड़ हमेशा खाली स्थान होता है, बताओ। कोई देखते हैं सही आंसर देता है क्या। कहाँ है हमारा टेक्निकल वाला, वो बना रहा है भाई, ऐसा नहीं है, पक्का बनाएगा। चलिए, इसके लिए सोचने का कोई ज़रूरत नहीं, जिसको पता है वो टक से बना देगा। ठीक है, इसको भी आगे ले जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है कि आ नहीं रहे हैं क्वेश्चन। हिमांशु, आपका राइट जवाब है, गुड। मोंटू, आपका भी। ट्यूशन पढ़ा दो प्लीज़, ट्यूशन पढ़ा दो प्लीज़। समझ नहीं आ रहा है रोशन क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं तो डेली पढ़ा रहा हूँ भाई, दिन रात 4-4 घंटे पढ़ा रहे हैं, 3-3 घंटे डेली। वेद प्रकाश, आपका भी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। चलिए, इसको बताइए भाई, 5 व्यक्ति अगर एक काम को 12 दिन में करते हैं तो उसी काम को 6 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। ऑफलाइन क्लास कल क्या था आपको, कश्यप मुझे फ़ोन कर लेना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, याद नहीं आ रहा है आप कौन है। चलिए, बन गया होगा, पर दे देते हैं समय, किसी को काटने पीटने में दिक्कत रहता है तो बेचारे को नंबर कम हो जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन देख के तो मज़ा ही आ गया, नहीं। सही है, आप सबका सही जवाब है, बिल्कुल वेद प्रकाश। इसमें भी भाई 1-2 लोगों का गड़बड़ है जवाब, ऐसा मत करो यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ करोगे तो कैसा काम बनेगा। कल नाइट में कॉल किया था ना आपको, आप बोले थे मैं कल कॉल करता हूँ बोल के। ओके, मुझे अभी क्लास के बाद कॉल कर लेना एक बार, ठीक है। चलिए, चेंज कर रहा हूँ।
कमेंट करो जल्दी फास्ट, इतना लंबा क्वेश्चन थोड़ी ना है। समझ आ रहा है? प्रैक्टिस क्यों करना जरूरी है? टेस्ट चीज़ें आती हुई छूटते हैं आपसे, चार बार पांच बार छह बार ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे, एग्जाम में जाओगे तो टक से बन के आ जाएगा। बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। जो जो चैप्टर के जो जो क्वेश्चन किसी भी जीके का जीएस का आपका छूटता है, आपका काम है आज रात को सोओगे तब जब उसको चैप्टर को पढ़ लोगे पूरा, काम खत्म, आज काज खत्म, फिर कल संडे है तो पार्टी मनाना, चिकन खाना, टेंशन खत्म। चलो अगला क्वेश्चन, ये बनेगा नहीं क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं हूं मैं, ये इक्वेशन का क्वेश्चन है तो देख के आंसर बनता है ऐसे टक, ठीक है? तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको याद रहेगा, फिर भी कोशिश करो सॉल्व करने का। सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, नहीं हाँ, बराबर किसके, x प्लस 1 बाई एक्स के, तो बताओ क्या होगा? मोंटू कैसे कर रहे हो आप? मोंटू सही नहीं कर रहे भाई, गड़बड़ है ये सब क्वेश्चन तो देख के। हाँ वेद प्रकाश, राइट आंसर। ये सबको बनाना थोड़ी ना पड़ता, देख के आंसर आता है सब क्वेश्चन का। तो जो क्वेश्चन में, जो चैप्टर मैंने अभी पढ़ाया नहीं है ना, उससे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग अलबला जाते हो, परेशान हो जाते हो। कोई बात नहीं हिमांशु, ठीक है। मिश्रण पढ़ रहे हैं, इसके बाद इसका नंबर लगा देंगे, ठीक है? अब देखना है सब ऐसे सेकंडों में खत्म, इसको बनाया भी थोड़ी नहीं जाता है, ऐसे आंसर है तो। चले अगला, ये लास्ट क्वेश्चन आज का, आज का मतलब सेक्शन सी का। सिंपल सा क्वेश्चन है, दो टेबल और तीन कुर्सियों का कुल लागत 3500 रुपये है, तो तीन टेबल और दो कुर्सियों का लागत 4000 है, तो एक कुर्सी और एक टेबल का लागत मूल्य बताओ। चलिए आंसर बताइए। कई लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है, ये सब में क्या सोच रहे हो क्वेश्चन में, तो समझ नहीं आ रहा, कुछ सोचने आई है क्या है सब क्वेश्चन? पूरा रामायण पढ़ लिया हो और ये सब क्वेश्चन देख रहे हो वैसे? चलिए अगला क्वेश्चन, रीजनिंग शुरू होता है यहां से। निम्न में से विषम का चुनाव करो जो अलग सा लगे, उसकी बारे में बात पूछा जा रहा है, आप जल्दी से देखिए और आगे बढ़िए। जो अलग दिख रहा है, विषम मतलब अलग सा, इसमें से तीन एक जैसे होंगे और एक जो होगा वो अलग सा होगा, उसको देखो और पहचानो, सोचो। चार टांग वाले हैं कि दो टांग वाले हैं, उड़ने वाला है कि तैरने वाला है, शाकाहारी है कि मांसाहारी है, बड़े आकार का है कि छोटे आकार का है, सब तरह से सोच लो, क्या काम करता है नहीं करता है, है ना? बिना आवाज के
चले, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है भाई। सोच लेना है एकदम, बढ़ई किसको बोलते हैं, लुहार किसको बोलते हैं, दर्जी किसको बोलते हैं और नाई किसको बोलते हैं, अब पता है आपको। आंसर दीजिए बढ़िया सा। मोंटू मस्त है। चले अगला क्वेश्चन। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर बताएं कौन सा शब्द अंतिम से दूसरे क्रम में आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में एक एक नंबर आपको याद कराया गया है। क्लियर, कॉन्ट्रास्ट, बोस, अंग्रेजी वर्णमाला में इसको अरेंज करना है। जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो, सोचा कम, हाथ जल्दी जल्दी चलाया करो। कामता, आपका बहुत पुराना वाला क्वेश्चन का आंसर अब आ रहा है, थोड़ा तेज होना पड़ेगा आपको, ठीक है, या नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। हो गया, चले अगला क्वेश्चन। विषम शब्द का चुनाव करो, देखो इसमें से कौन ऐसा है जो अलग थलग है। पहिया, रेल, बस, नाव, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है भाई, सही सही। इसके बाद लास्ट दो क्वेश्चन बचेंगे। बात नहीं करना है, चलिए इसमें ज्यादा समय दूंगा नहीं, सब लोग बना लोगे। अगला, कंप्लीट द कैटेगरी। श्रेणी को पूर्ण करें, ए बी डी डैश के पी का ही बीच में आपको बताना है क्या आएगा। कई लोग कहते हैं कि सर आपके यहाँ रिजल्ट इतना अच्छा क्यों आता है, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं भाई, ये तो ऑनलाइन है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, नहीं तो ऑफलाइन में सोचो क्या करते हैं हम। बहुत सारे लोगों का जवाब आ रहा है, बढ़िया। आप लोग को पता है कि एसएससी की बैच शुरू होने वाली है जल्दी, 12-13 तारीख के आसपास से। अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो ले लेना, बाद में एडमिशन नहीं दूंगा भाई, अपने दोस्तों को बता सकते हैं आप, फिर बाद में ज्वाइन करते हैं तो फिर दिक्कत होती है पढ़ाने में। ओके, अगला क्वेश्चन और लास्ट आज का क्वेश्चन, देखते हैं कौन बनाता है। क्वेश्चन है, पी क्यू आर और एस ताश खेल रहे थे, चार लोग खेल रहे थे, पी क्यू आपस में जोड़ीदार हैं, एस का मुंह जो है नॉर्थ की ओर है, उत्तर की ओर, और पी का मुंह पश्चिम की ओर है, तो बताइए कि किसका मुंह दक्षिण की ओर है, साउथ के तरफ किसका फेस है।
मोंटू बोल रहा है सर आप मेरे ऊपर का हिंदी का कमेंट नहीं पढ़ पाए। नहीं पढ़ पाए यार, छूट गया, सॉरी, दोबारा कर दे कॉपी पेस्ट। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो मुझे कॉल कर रहे हैं सर मुझे अभी एडमिशन चाहिए करके। अभी मैं कैसे पढ़ाऊंगा बताओ, अभी मैं एडमिशन लूंगा तो क्लास हो गई ख़त्म, अब मैं क्या पढ़ाऊंगा उनको। इसलिए स्टार्टिंग में ज्वाइन करना है कभी भी। ओके हिमांशु, विकास माही, वेद प्रकाश, हाँ जी ये जीडी का पेपर है मेरे दोस्त, बिल्कुल अजय। ओके यहाँ पे आपका टेस्ट जो है ख़त्म होता है, इसके बाद भी कोई डाउट या कंफ्यूजन रहता है तो ये हमारे ऑफिस का नंबर है, आप नोट कर सकते हैं। ओके चलो एक बात सुनो, अब ध्यान से आपको करना क्या है, अभी मैं आंसर डिस्प्ले करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से और कमेंट करके मुझे बता देंगे, या आपको मिल भी जाएगा बाद में, नेट पे अवेलेबल रहेगा, जब मर्जी तब आप देख सकते हैं। अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए होगा, ओएमआर सीट का पीडीएफ चाहिए होगा, कोई नोटिफिकेशन अगर कुछ चाहिए होगा तो उन्हें क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है या ऑलरेडी है तो वहाँ से पीडीएफ का निकाल लेना है। ठीक है चलिए आंसर दिखा रहा हूं, रेडी। आप पिक ले लीजिए, लंबे समय तक मैं रुकूंगा नहीं, आंसर आपको वहां भी मिल जाएगा, अपना चेक कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अपना अपना जो आपके आंसर का जो जवाब आया है, जो आपने स्कोर किया है 100 में से कितना पाया है, वो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, माइनस करके। ठीक है चलिए फिर आज का क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। सर टीए आर्मी का नोटिफिकेशन, हाँ नोटिफिकेशन तो आ गया है, डाला हुआ है, आप देख सकते हैं उसमें टीए का। हम लोग छत्तीसगढ़ के लोग जोन 2 में आते हैं, ठीक है, तो आप उसमें देख लीजिएगा क्या शेड्यूल है, नोटिफिकेशन डाला हुआ है टीए का, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाना, आपको बहुत सारा वहाँ से पीडीएफ मिलता रहेगा। दीपक बोल रहे हैं बहुत हार्ड था आज का पेपर, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है भाई, क्या करोगे। चलिए क्लास ख़त्म करते हैं, थैंक यू।